महाराष्ट्र के ठाणे में एक बार फिर से एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। खबर यह भी है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं के निशाने पर यहां उत्तर भारतीय रहे, उनके साथ मारपीट भी की गई है, जमकर तोड़फोड़ की गई। कई जो दुकानें लगी हुई थी सड़क किनारे रेलवे स्टेशन के बाहर, उनको भी एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुस्से का शिकार होना पड़ा और जमकर ये रेहड़ी पटरी फेंकी गई और मारपीट की भी खबरें यहाँ से मिल रही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर एकाएक एमएनएस कार्यकर्ताओं का झुंड पहुँचा और उन्होंने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि उसके बाद हंगामा किया और फिर वहाँ लगी दुकानों को तोड़ा और उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट का भी यहाँ मामला सामने आया। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उत्तर भारतीयों के साथ भी मारपीट की है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पहुंचे यहाँ पर और उसके बाद सीधे इन्होंने इन दुकानों पर ही अपना निशाना बना दिया, इन दुकानों को निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। नारेबाजी लगा रहे थे, हंगामा कर रहे थे और इसी दौरान वहाँ पर जो इनके सामने आया उन्हें भी इनके गुस्से से दो चार होना पड़ा। जो दुकानें लगी थी उसे पलट दिया, बेंचें तोड़ दी, सामान बिखेर दिया, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उन्हें वहाँ से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तो बड़ी खबर ये ठाणे से आ रही है, ठाणे के रेलवे स्टेशन के बाहर एमएनएस कार्यकर्ता पहुँचे और उसके बाद जमकर तोड़फोड़ किया। उत्तर भारतीयों की दुकानें बताई जा रही हैं जो ये दुकानें लगी थी। इससे पहले भी एमएनएस प्रमुख का बयान आया था कि रेहड़ी पटरी वाले ज़्यादातर उत्तर भारतीय होते हैं। और चलिए पंकज मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, आखिर ये एकाएक क्या हुआ, क्यों ये यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद इस तरह से हंगामा करने लगे? देखिए 29 तारीख को जिस तरह से एल्फिस्टन जो फुट ओवर ब्रिज पे जो हादसा हुआ था, जो भगदड़ हुई थी, इसके वजह से 23 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद ही ये कहा गया था कि ब्रिज पर जो अवैध फेरी वाले थे उसकी वजह से भी ये हादसा हुआ है, उसकी वजह से भी भगदड़ में लोग मरे हैं। और तभी राज ठाकरे ने ये चेतावनी दी थी बीएमसी को कि वो 15 दिनों के भीतर तमाम जो फेरी वाले जो स्टेशन के आसपास बैठते हैं उन्हें हटाए, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो चाहे वो उत्तर भारतीय हो। उसके बाद 15 दिन बीतने के बाद जो फिलहाल आप देख सकते हैं कैसे एमएनएस के कार्यकर्ता जो है वो पूरे मुंबई और मुंबई के आसपास के तमाम इलाकों में जहां जहां स्टेशन पे फेरी वाले बैठे हुए हैं वहां वहां पर वो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उनके सामानों को तोड़फोड़ कर उन्हें वहां से दूर कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मुंबई और मुंबई के आसपास कल्याण थाने जैसे इलाकों में इस वक्त एमएनएस इस तरह से हल्ला बोल उठा है फेरी वालों के खिलाफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो पंकज मिश्रा जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से एमएनएस कार्यकर्ता इस तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और रेहड़ी वालों को अपना निशाना बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें ये अधिकारी दिया किसने और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कर रहा है।